गया। नमस्ते आप लोगों को, सब लोगों को नमस्ते है मेरे तरफ से। मैं अनिल कुमार कश्यप सनमुखा एग्रीटेक लिमिटेड कंपनी से आप लोगों के बीच में आया, जो कि मेरी कंपनी क्या है कि कृषि संबंधी दवाओं को बनाती है, जो आप लोगों के खेत में अनेक प्रकार के रोग लगते हैं, जो अनेक समस्याएं आती हैं, उसके विषय में आप लोगों के बीच में बात करने आया हूं। और जो कंपनी हमारी बनाती है वह केवल कृषि संबंधित दवाओं को बनाती है, और हमारी कंपनी बीज भी देती है, माइक्रोन्यूट्रिएंट देती है, सल्फर देती है, जिंक देती है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि हमारी कंपनी में आपको डीएपी भी मिल जाएगा, पोटास भी मिल जाएगा, अनेक प्रकार मतलब जितना होना चाहिए कृषि संबंधित टोटल आपको मिलेगा। तो मैं अनिल कुमार कश्यप आप लोगों के बीच में सनमुखा एग्रीटेक लिमिटेड कंपनी जो हैदराबाद की कंपनी है। आप लोग सभी लोग किसानी करते हैं, खेती करते ही हैं। कौन सा गाँव भैया? निपनिया में। देखिए मैं इस समय आज आप लोगों के बीच में 10/9/2021 निपनिया में हूँ मैं आप लोगों के बीच में, और आप लोगों के बीच में इसलिए आया हूँ कि कृषि का यह जो समस्या होता है, कृषि के लिए दिक्कत है, उसके लिए आप लोगों के हाथों में जो पर्चा दिए हैं, आप लोग एक एक पर्चे को अनेक प्रकार के पर्चा दिया हो, आपको तेजल दिया है, आपको मोक्षा दिया है, आपके हाथ में वसुधा, आपके हाथ में धामन है। तो आइए मैं तेजल का बात करता हूँ, जो झुलसा पकड़ता है, पीली पत्ती हो जाती है, जो फसल में समस्या होता है, सब्जियों में अनेक प्रकार की जो समस्या होती है, झुलसा पकड़ लेती है, उस रोग के लिए बेहतर दवा है। जो पत्ती पीला होता है, चिट्टी चिट्टा हो जाता है, उसमें काला धब्बा आ जाता है, पीला धब्बा आ जाता है, लाल छाव धब्बा हो जाता है, उसके लिए बेहतरीन दवा हो, ठीक है। वो सनमुखा एग्रीटेक लिमिटेड का उत्पाद है जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, उसको आप लोग डालते हैं खेत में तो बेहतर काम करेगा, एक नंबर बढ़िया काम करेगा। और आपके हाथ में दादाजी वसुधा है, वसुधा लिया है ना? ये वसुधा है जो ये हमारा रूट बोरर, शूट बोरर, टॉप बोरर तीनों में काम करता है। जैसे कि आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि यह जब आप नीचे डालते हैं धान में, गेहूं में, गन्ने में, मक्के में, सब्जी में, तो जो दीमक लगते हैं, टाड़ा लगते हैं, जो नीचे के कीट लगते हैं, उसको नियंत्रण करता है। उसके साथ साथ जो आपका डंठल होता है, कुछ ऐसा क्या होता है कि नीचे के ऊपर थोड़ा जाएंगे तो काटना शुरू कर देते हैं, फिर उसके बाद सिक्के को काटना चालू करते हैं, फिर उसके बाद पत्तियों को काटना चालू करते हैं। ये जो मेरा वसुधा है, यदि आप लोग इसको डालते हैं, यदि बायो प्रोडक्ट है, इसको आप लोग अपने खेत में डालते हैं तो बेहतर काम करता है, कारगर काम करता है, इसमें तीनों में काम करता है, किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं होता है। आपके हाथ में मोक्षा है, ये मोक्षा क्या है कि यह हमारे कंपनी सनमुखा एग्रीटेक लिमिटेड ने मोक्षा को बनाया, जो हल्दी रोग आप लोगों के वहाँ पड़ता है, बहुत हल्दिया रोग का, हाँ हल्दिया रोग का जो समस्या है दादा, इसको यदि आप अपने खेत में डालते हैं, यदि समय से डालेंगे तो, समय से डालते हैं तो, नहीं समय से डालेंगे तो ये काम नहीं करने वाला है। यह नहीं कोई दुनिया का कोई दवा डाल देंगे, समय से नहीं डालेंगे तो काम नहीं करेगा। और आप लोग डालते हैं कौन? जो हल्दी रोग लगना शुरू हो जाता है उसके पहले आप लोग नहीं डालते। जब हल्दी रोग लगने का समस्या जो होता है, जब हमारा बाली फूटता है, बाली फूटने के बाद में बाली फूटते ही नहीं लगता है, बाली फूट जाता है, उसका फूल झड़ जाता है, जब वो दूधा पकड़ता है तब उसमें हल्दी रोग लगता है। तो बनाने के लिए हाँ, इसको निजात बनाने के लिए सबसे बेहतरीन दवाई मेरा मोक्षा है। ये हर दवाई दुकान पे मिल जाएगा, जिस कृषि संबंधित दवा की दुकान पे जाएंगे। हाँ बिल्कुल, अभी नंबर देते हैं, आप कंपनी का नंबर भी नोट कर लीजिए आप लोग, 08069070900। आप कभी भी सुबह हाँ अभी आपको नंबर दे रहे हैं, आपका नंबर ले रहे हैं, किसी प्रकार का कोई समस्या होता है, कोई दिक्कत होता है, सिंदुरिया है ना? हाँ जी सर, सिंदुरिया श्याम बीज भंडार वाले को आराम से मिलेगा। मोक्षा का जो समस्या है, आप लोग मोक्षा को डालते हैं बेहतरीन। और आप ये बताइए, आप मुझे जैसे मान लीजिए मेरा फसल तैयार है, जैसे मान लीजिए उसमें रेड़ा मुँह आ गया है और उसमें जैसे काट रहे हैं, कीट नहीं काट रहे हैं, क्या काट रहे हैं उसका कोई फार्मूला मेरे पास सही नहीं है। जैसे उसको मान लीजिए कीट नहीं काट रहे हैं पूरा, जैसे जरिए से जड़ से काट रहे तो गोहटिया जो आती है, तो उसके लिए कोई दवा है का आपके पास? उसके लिए आप क्लोरोपाइरीफास जो 20% और 10% ग्रेन वाला दानेदार आता है, क्लोरोपाइरीफास उसको नीचे डालेंगे या बोरे डालते हैं।
वही तो दवा चाहिए महाराज, ठीक है, उसको आप डालेंगे तो आपका जो धान का समस्या, जो काटने वाला समस्या, उसके नियंत्रण पा जाएंगे, कोई समस्या नहीं। और बताइए, और कोई दिक्कत नहीं? जैसे दिक्कत ही सिर्फ, और दादाजी आप दिखाइए पर्चे को, मोड़िए नहीं, पर्चा मोड़ने के लिए नहीं दिया, पैसा लगा इसमें, थोड़ा देखिए और दिखाइए क्या चीज को पढ़िए। हाँ सही, घर ले जाएगा, लेकिन दिखाने के लिए दादा, मोड़ने के लिए नहीं, कम से कम इज्जत कीजिए, पैसा लगा है, बढ़िया। धामन का पर्चा लिया है और धामन इस बेल्ट में बेहतरीन सेल हुआ। धामन क्या है कि उसमें क्या है कि इस इंडिया में बहुत बढ़िया मेरा चला, पूरे इंडिया में सबसे टॉप 10 का प्रोडक्ट रहा। उसमें ग्रोथ प्रमोटर है माइकल राजा, सीरियस है, यूनिक है, कई चीजों का कंपटीशन, ठीक है। और ये समस्या देख लीजिए, जो धामन का मैं बता रहा हूँ, धामन अपने महाराजगंज जिले में सबसे बेहतर चला है। इसको क्या है कि रोपाई के 10 से 15 दिन के बाद इसको जब डालते हैं तो धान का करला कब देता है, जब पकड़ लेता है 10 से 15 दिन के बाद ही देता है। उसमें जब डालते हैं तो उसमें जो माइक्रो राजा ग्रोथ प्रमोटर है, यह सबसे बेहतर काम करता है करला देने के लिए। और करला देने के लिए काम करता है, आपका डंठल मजबूत होता है, बाली बढ़िया लगता है, बाली बढ़िया बढ़िया सुंदर लगता है, अच्छा लगता है। जो इस समय डाले हैं सबसे बेहतर अभी तो इतना बड़ा हो गया, उसमें डालेंगे करला कितना देगा। करला के समय जब उसको डालते हैं तो बेहतर काम करेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी आपको नंबर हम दे दे रहे हैं, उनका भी, अपने कंपनी का भी नंबर दे दे रहे हैं, और कस्टमर केयर भी आप लोगों को बताए दिए, जो नीचे घोटियां है वह काटे, ठीक है, उसमें छोड़ देता। पूरा धान में काट के गिरा दे रहे।